नमस्कार, आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 427। और आज भी बात होगी धनु लग्न में शनि की। और ये जो हम पढ़ा रहे हैं लग्नानुसार भावाश्रय फल, बता देते हैं ताकि आप लोग सोचेंगे कौन सा चैप्टर चल रहा है। लग्नानुसार भावाश्रय फल को यदि हम समझ लेंगे तो आप समझ लीजिए कि बहुत कुछ आप ज्योतिष में सीख जाएंगे। और बात आज किसकी हो रही है? शनि की। आठवें स्थान तक, अर्थात जहाँ जहाँ टिक लगा दिया वो बात कर चुके हैं पिछले दो पाठ में। अब बात करेंगे नवम स्थान का। तो मानसागरी में तो लिखा है कि भाग्य योग्य करे सौरे स्थिते भाग्य च जन्मनी लग्न में तू विशेषेन यावत जीवम समृद्धिमान। कि भाग्य योग्य बनाता है शनि, इतना अच्छा लिख दिया। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, शनि भाग्य स्थान में बैठ गया, भाग्य का तो सत्यानाश हो गया, अब तो लक फेवर करेगा ही नहीं। और ऐसा क्यों लिखा गया किसी भी स्थान में शनि के लिए? अच्छा यदि लिखा है तो सिर्फ एक विषय है, वो है कि ये वृद्धि स्थान का स्वामी है काल पुरुष के अनुसार, ये कभी नहीं भूलना है। देखिए कुछ भी बोल जाएंगे, सादा पेपर लेकर के बोल दीजिए, लोग उसमें भी हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सामने वाले को ज्योतिष आता नहीं। हमारा पाठ देने का मकसद ही यही है कि आप लोग ज्योतिष को सीख सकते हैं। बहुत सरल है, ठीक है, बहुत गहराई में जाने वाला विषय है, लेकिन इसको मैं जिस तरह से लेकर के चलता हूँ ताकि आप लोग यदि इतना याद कर चुके हैं कि हमारे पत्रिका में ये दोष है, हमारे पत्रिका में नीच भंग राजयोग है, हमारे पत्रिका में विपरीत राजयोग है, पंच महापुरुष राजयोग है, 100 कंसल्टेशन आता है तो 70 लोगों को अपने पत्रिका के विषय में जानकारी होती है। तो वो 70 लोग यदि इस विषय को समझ लें तो हमको लगता है कि वो अपने पत्रिका के विषय में भी अच्छा समझ सकते हैं। तो हम उन 70 लोगों के लिए पढ़ाते हैं जो भटक चुके हैं, जो अल्प ज्ञान ले लिए हैं और अपना ही और अपने आसपास के लोगों का कुछ जो जी में आता है वही बोल लेते हैं। चलिए, अब शनि कहाँ है स्थित? नवम स्थान में स्थित है। तो देखिए क्या क्या सोच सकते हैं, लग्न स्थान से नवम में है, काल पुरुष में दशम का स्वामी है नवम में है, काल पुरुष में एकादश का स्वामी है नवम में है, तात्कालिक रूप से धन का स्वामी है नवम में है, इस स्थान का स्वामी है नवम में है, तीसरे स्थान का स्वामी है नवम में है। पहले तो ये नवम में है, ये बड़ी बात है। अब अलग अलग तरीके से समझिएगा, दसवें स्थान का स्वामी अपने से बारहवां है, लेकिन 9, 10, 11 में यदि कोई ग्रह बैठा हो तो वहाँ बारहवें जाने का, बारहवें कहने का कोई बहुत मतलब नहीं रह जाता। एकादश स्थान से 11वां है, लग्न से 9वां है, धन स्थान से 8वां है। कोई भी आदमी जब परोपकार में धन लगा दे, धर्म के क्षेत्र में धन लगा दे, तो वहाँ से कोई इनकम नहीं होता, और जो लगा दिया वो लग गया, फिर वो वापस नहीं आता। यहाँ पराक्रम स्थान का स्वामी जाकर के सप्तम में है अपने स्थान से, आयु स्थान का स्थिर कारक होकर के त्रिकोण में बैठा, व्यय स्थान का स्थिर कारक होकर के त्रिकोण में बैठा, और उत्तरोत्तर बलि त्रिकोण में बैठा। कोई भी ग्रह बैठेगा तो फल उसको नवम का करना ही पड़ेगा, और नवम का फल अच्छा होता है। ऐसे जातक सज्जनों का, ब्राह्मणों का, पिता का, अपने बुजुर्गों का बहुत मान सम्मान करेगा, धर्म के प्रति रुचि होगी, धर्म की वृद्धि होगी, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, तीर्थ यात्रा करने में आनंद प्राप्त होगा, लंबी यात्रा करने का आनंद प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ बैठ करके एकादश स्थान को जब देखे, और जब शनि दशम और एकादश को देखे तो बहुत बुरा नहीं बोलेंगे, क्योंकि यदि आप तारतम्य नहीं बिठाएंगे, तालमेल नहीं बिठाएंगे तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एकादश स्थान में स्वयं इसी का घर है। लेकिन इसके बावजूद भी शनि की दृष्टि है तात्कालिक रूप से, और ये अशुभ ग्रह है, इसीलिए फिर भी ये लाभ को प्रभावित करता है। और उसके बाद इसके पराक्रम स्थान के दृष्टि के ऊपर दृष्टि है, वो उसका अपना ही घर है, तो अपने घर को तो बिगाड़ेगा नहीं। अर्थात ऐसे जातक को तीसरे स्थान से जिस भी विषय में बात हो रही हो उसकी वृद्धि करेगा। लेकिन यहाँ यदि कोई ग्रह बैठा होगा तो उसको दृष्टि से नुकसान पहुँचेगा,
अपने दृष्टि से शनि उस ग्रह को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन उस भाव की जरूर वृद्धि करेगा। चलिए अब यहाँ से फिर सातवीं दृष्टि के बाद दसवीं दृष्टि छठे स्थान में, तो रोग ऋण और शत्रु ये बढ़ाएगा। बहुत लोगों की व्याख्या हमने देखा है कि छठे स्थान को शनि देख रहा है तो भले ही रोग ऋण शत्रु सारे समाप्त कर देंगे। समाप्त करने का सामर्थ्य है, लेकिन पहले होगा तभी तो समाप्त करेंगे ना। तो छठे का फल करेंगे, लेकिन कब करेंगे? रोज थोड़ी करेंगे, जब इसकी दशा अंतरदशा आएगी तब करेंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं, शनि यदि दशम स्थान में हो, दशम स्थान के स्थिर कारक एक ही है, वो है बुध। लेकिन सूर्य को, मंगल को, शनि को भी कारक कहा गया, क्योंकि कर्म के कारक के रूप में शनि को जाना जाता है। नंबर एक। नंबर दो, ये काल पुरुष के पत्रिका में इसी स्थान का स्वामित्व रखते हैं, तो इसीलिए दशम स्थान में शनि का स्थित होना अर्थात आप कार्य कुशल होंगे, आपके कार्यों को सराहा जाएगा, आप धीरे धीरे ही सही कार्य को पूर्ण करेंगे, आधे में कार्य को कभी नहीं छोड़ेंगे, आप कठिन से कठिन कार्य को करने का सामर्थ्य रखेंगे। इतनी बातें हमें जरूर कहनी है। अब शनि की दृष्टि व्यय स्थान के ऊपर है तो खर्च अधिक होगा, हो सकता है किसी न किसी कारण से अस्पताल में जाकर के खर्च हो, कोर्ट कचहरी आदि में जाकर के खर्च हो जाए। शनि की दृष्टि सप्तम स्थान के ऊपर है अर्थात काम बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन घर में आपको मन नहीं लगेगा, माता के सुख की कमी होगी, आपके पास पैसा होने के बावजूद भी भूमि भवन मकान उसके अनुकूल आप नहीं ले पाएंगे। अब शनि यहाँ बैठ करके सप्तम स्थान को दृष्टि दे रहा है तो दाम्पत्य सुख की कमी होगी। जरूरी नहीं है कि सबको एक जैसा जीवन मिल जाए, जरूरी नहीं है कि जिसका कर्म अच्छा हो उसके पास सब कुछ अच्छा हो, उसको दाम्पत्य जीवन में भी सुख प्राप्त हो। इसीलिए जहाँ अच्छा है वो अच्छा बोलना है, और जहाँ अच्छा नहीं है वहाँ अच्छा नहीं बोलना है। अब शनि यदि एकादश स्थान में हो जाए तो एकादश स्थान में तो शनि, अब देख लीजिए इस पत्रिका में लोग बड़ा अच्छा बोलेंगे, क्यों? क्योंकि शनि उच्च का भी हो गया। वो एकादश स्थान काल पुरुष में इसका स्वयं का है, इसीलिए वृद्धि का कारक बताया गया है, ये उनको याद नहीं हो रहा था, ये याद रहता है कि यहाँ शनि उच्च का है। मान लीजिए अच्छी बात है, कम से कम ये बोल करके तो अच्छा बोलेंगे, तो ऐसे में जातक के कार्यों को सराहा जाए, पद एवं पदोन्नति बराबर एक समय अंतराल में होता रहेगा, जीवन में आगे बढ़ने की लालसा बनी रहेगी और सतत आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन यहाँ से दृष्टि कहाँ है? लग्न के ऊपर है, ये अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य में बाधा दे सकता है, हमारे प्रकृति को दूषित कर सकता है। अब वहाँ से दृष्टि पंचम स्थान में है तो हमारे विवेक, बुद्धि विवेक में, कहते हैं ना कि हम दूसरे के लिए बहुत अच्छा नहीं सोचते, हमारे पास बहुत कुछ है, हम बहुत उच्च पद पर हैं, लेकिन दूसरे के लिए हमारे मन में अच्छे विचार नहीं आते, तो ये पंचम स्थान से बुद्धि विवेक का बात होता है, तो हमारे मन में शनि का पाप जरूर रहेगा, हम दूसरे के लिए बहुत अच्छा विचार हो सकता है कि नहीं रखें। और दशम स्थान से आयु स्थान को देखेगा, वहाँ तो ना अभी इसका घर है, कारक वहाँ का है, उसके बावजूद भी आयु की हानि ही करेगा, उसकी वृद्धि नहीं करेगा, ऐसा ही आप लोगों को मान करके चलना है। अब शनि द्वादश में चला जाए तो हम कहते हैं कि द्वादश में जाना किसी भी ग्रह के लिए अच्छा नहीं है। और फिर एक पाठ हम आपको कारक भाव नाशाय के ऊपर दे देंगे ताकि अच्छी तरह से और आप लोगों का वो क्लियर हो जाए। अकेला है तो नाश करेगा, अकेला है तो फलम स्वल्पम उदीरतम, कम फल करेगा, लेकिन यदि किसी के साथ है तो ऐसा नहीं करेगा, फिर योग का फल करेगा। और हमेशा ज्योतिष में यदि योग का फल मिले तो वो ज़्यादा अच्छा है। सारे ग्रह यदि अकेले ही स्थित हो जाएं
तो ये भी अच्छा, लेकिन अधिकांश ग्रह यदि अकेले स्थित हों तो वो अच्छा नहीं है। जिसमें से तीन ग्रहों को तो विशेष रूप से पहचान लीजिएगा, चंद्रमा राहु और केतु अकेला नहीं होना चाहिए। ये वैसे तो सभी ग्रह अकेला होते हैं, तो हम अपने शब्दों में कहते हैं कि वो मनमानी करता, लेकिन राहु केतु और चंद्रमा अकेला होता है तो वो निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाता है। इसके विषय में कभी चर्चा कर लेंगे, लंबी चर्चा कर लेंगे। तो चलिए, शनि द्वादश स्थान में है तो द्वादश स्थान का नुकसान करेगा, अगर उससे कुछ फायदा की बात है तो वहाँ पहले नुकसान करेगा, लेकिन द्वादश का फल करेगा। ऐसे जातक यदि और पत्रिका में योग बन रहा हो तो जेल भी जा सकता है, बीमार होकर के अस्पताल में भी भर्ती हो सकता है, खर्च बहुत ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि ये स्थान ही इस तरह के कारकत्वों को देने वाला है। तो जो ग्रह जिस स्थान में बैठेगा पहले उसी का फल करेगा, इसीलिए ऐसे फलों की उम्मीद हम शनि से करेंगे। लेकिन द्वादश में बैठ करके अपने ही घर धन स्थान को देख रहा है तो धन की वृद्धि कराएगा, धन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देगा, अपने कुटुंबों के साथ मिलजुल करके चलेगा, वाणी के ऊपर नियंत्रण रहेगा, लेकिन स्वभाववश, क्योंकि शनि का स्वभाव ऐसा है, कभी कभी ऐसी वाणी बोलेगा जो कर्णप्रिय नहीं हो। अब आगे आ जाइए, शनि की दृष्टि छठे स्थान में है तो छठे स्थान की हानि करेगा, तो हानि करेगा तो रोग की, ऋण की, शत्रु की हानि करेगा नहीं, जिस स्थान को देखता है उसका भी फल करता है, तो रोग देगा, ऋण देगा, शत्रु देगा। पहले ये दे लेने के बाद अगर इसके ऊपर जरूरत है दमन करने का तो दमन करने की नीति भी रखेगा, लेकिन रोग होगा जरूर। और रोग किस तरह का होगा, यदि छठे में कोई ग्रह नहीं बैठा हो और शनि ही देख रहा हो तो शनि के ही प्रकृति का रोग होगा, यदि छठे में कोई ग्रह बैठा है तो उसके प्रकृति का रोग हो सकता है। इसके बाद नवम स्थान के ऊपर दृष्टि है तो जातक धर्म कर्म में बहुत रुचि रखने वाला नहीं होगा, संभव है कि पिता के साथ बहुत, कहते हैं ना, मत भिन्नता होगी, सामंजस्य की कमी होगी। अपने जितने भी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, ब्राह्मण आदि होते हैं, ऐसे लोगों का सेवा नहीं करने वाले होंगे, या हम ये नहीं कह सकते कि धर्म को मानने वाले होंगे ही नहीं, लेकिन यदि नवम स्थान के ऊपर दृष्टि जा रहा है तो उसको भाग्य का भी साथ कम मिलेगा। अर्थात बोलते हैं ना कई लोग इंटरव्यू में फेल हो गए, एक नंबर से रह गए, आधे नंबर से रह गए, वो ऐसी स्थिति हो सकती है। तो सरल है ना समझना, उसी तरह से सिर्फ लगातार यदि आप पढ़ते रहेंगे तो बहुत सरलता से समझेंगे। किसी भी तरह का कंसल्टेशन लेना हो तो फ़ोन कर सकते हैं आप। अब हम इन बातों को बोल रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों को हेजिटेशन होता है बात करने में। ज्योतिष से संबंधित कोई भी प्रश्न मन में आता हो मेल कर दीजिए, जवाब जरूर जाएगा। अगर जवाब नहीं जाता है तो कमेंट में सब कोई लिख दीजिए कि एक भी प्रश्नों का जवाब हमारा नहीं आता, कम से कम दूसरे लोग जान तो जाएंगे कि जवाब नहीं देते हैं। अभी तक, आज दिन तक मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ, 50,000 सब्सक्राइबर हो जाने के बाद भी, आगे ईश्वर जाने। और जब नहीं जवाब दे पाऊँगा तब आपके पास प्रश्न भी नहीं होंगे, तब तक मैं इतना ज्योतिष पढ़ा जाऊँगा। तो आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, अगर ज्योतिष में को प्रोफेशन में बनाना है या आपके हॉबी में ज्योतिष को लाना है तो आप हमसे एडवांस प्रिडिक्टिव कोर्स ज़रूर करें। जो कहीं 2 साल 3 साल 5 साल में नहीं प्राप्त किए होंगे वो हम यहाँ से 6 महीने में आपको दे देंगे। तो आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।